الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وخطيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زندگی اس کی بے کیف و بے کار ہے جو موت کے خوف میں گرفتار ہے زندگانی اگر تم کو درکار ہے سوچتے کیا ہو وہ سامنے دار ہے ہر زمانے میں اہل حق کے لیے پاؤں میں بیڑیاں اور سر پہ تلوار ہے چیختا ہے امی اٹھو اے اہل دین تم ہو سوئے ہوئے اور کفر بیدار ہے یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے ایمان کی بجلی ہو قرآن کی بجلی ہو ارے سنت کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے سینوں میں ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کر دے فکر دنیا کر کے دیکھی اب فکر آخرت کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا سب کو اپنا کر کے دیکھا اب رب کو اپنا کر کے دیکھ راہ وفا میں بڑھتا جا او قرب کی سیڑھی چڑھتا جا
हर दम शौक से ये पढ़ता जा, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ झूठी दुनिया से मुंह मोड़, रब से और रब के हबीब से और रब के कुरान से अपना रिश्ता जोड़। कोई नहीं है, कोई नहीं है रब के सिवा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व असहाबिही व अज़वाजिही व अत्बाईही व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। सुभानक ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे नहायत ही मोहतरम व मुकर्रम व अज़ीज़ बिरादरम हज़रत मौलाना क़ारी इक़बाल अहमद साहब हफ़िज़हुल्लाह अमीन व उलमाए किराम हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा अज़्ज़ाम बिरादरान इस्लाम मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, रात का काफ़ी हिस्सा बीत चुका है। जलसे की जवानी तो हमारे मुबल्लिगीन हज़रात लूट गए, बुढ़ापे में हमारी बारी आ गई, लेकिन इंशाअल्लाह हम बुढ़ापा नहीं आने देंगे। कहो इंशाअल्लाह, जागोगे कि नहीं जागोगे? जागेंगे इंशाअल्लाह, जगेंगे। ये आज का जलसा, ये इज्तमा दस्तार फजीलत जामिया मदरसा उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिला में मुनाक़िद है, और फजीलत कुरान करीम, फजीलत दस्तार पर मैंने कुछ अर्ज करना है, लेकिन मौजू इंतहाई तवील है, वक्त तवील है, कुरान और हदीस में इसकी काफ़ी दलील है। शहर मेरा डेर इस्माइल है, नाम मेरा कारी कलील है, थकावट की वजह से आपकी तबीयत भी अलील है, लेकिन मजलिस इंतहाई जमील है। मैं अर्ज करूंगा, आप बैठे, मेरी अपील है, इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, अभी आपने देखा ये नन्हे मुन्ने बच्चे, इनको जरा तवज्जो से देखें, इनका देखना भी सवाब है। इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, ये मदारिस दीनिया की बरकत है,
कि आज हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम कुरान, हामिल कुरान, तालिब कुरान, मदारिस दीनिया ही की बरकत है कि आज अल्लाह का दीन अल्लाह की जमीन पर बाकी है। ये मदारिस दीनिया ही की बरकत है कि आज हलाल और हराम में तमीज है, कुफर और इस्लाम में तफरीक है, हक और बातिल में फर्क है। ये मदारिस दीनिया की बरकत है, ये मदारिस दीनिया न होते, सच कहता हूं आपको, वक्त के मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुदब्बिर, मुकब्बिर, मुबल्लिग, मुअर्रिख और मुअज्जिन तक न मिलते। ये मदारिस दीनिया न होते आपको वक्त के उलमा, औलिया, अतकिया, सुनहा, हुफ्फा और पुर्रा, खतीब और खतबा, फकीह और फुकहा, गाजी और चौहदा न मिलते। खामोश रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं लोग, खामोश रहे भाई, इन पीछे कह दो कि खामोश रहो। अगर ये मदारिस दीनिया न होते, वक्त के बड़े बड़े जालिम, जाबिर, फासिक, फाजिर, हुक्मरान, यहूद और नसारा के गुलाम, ये शैतान, इनकी जबानों को लगाम देने वाला कोई न होता। यहां एक बात याद है, एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम अकबर था, जालिम था, जाबिर था, काफिर था। किसी मजलिस के अंदर इस्लाम के खिलाफ, अल्लाह के दीन के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, नबी के फरमान के खिलाफ बकवास कर रहा था, उस मजलिस से एक शख्स खड़ा हुआ। वो वक्त थानेदार नहीं, नंबरदार नहीं, जमेदार नहीं, ठेकेदार नहीं, जमींदार नहीं, वक्त वो एसपी नहीं, डीएसपी नहीं, डीआईजी नहीं, आईजीपी नहीं, वो वक्त वकील नहीं, ताजर नहीं, कैप्टन नहीं, मेजर नहीं, कर्नल नहीं, जनरल नहीं, आपके वजीफे वसूल करने वाला, मस्जिद और मदरसे की चटाई पर लेटने वाला, सोने वाला, बैठने वाला, हर वक्त अल्लाह के घर को आबाद करने वाला एक शख्स खड़ा हुआ, बादशाह की आंख में आंख मिलाकर कहते हैं, बादशाह खबरदार अपनी जबान को लगाम दे, बकवास बंद कर, थम, हर फिरौन के लिए अल्लाह ने मूसा को पैदा किया, तेरे मुकाबले में अल्लाह ने मुजद्दिद अलसानी को पैदा किया, हक कहा तख्तेदार पर लटक गए, और जिसने हक कहा तकलीफ आई, मुसीबत आई, परेशानियां आई, हक पर तकलीफ है मुसलमान, हक पर है। अंबिया की तारीख तो पढ़ो हक के लिए, बाद मुफस्सरीन ने लिखा है 50,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया हक की खातिर, हक की खातिर। अंबिया की तारीफ पढ़ तो सही, आज तो उन्हें क्रिकेट के मैच तो देखे, क्रिकेट के खिलाड़ियों की तारीफ तो तूने पढ़ी, तूने फिल्म के एक्टरों की तारीफ पढ़ी, तूने पहलवानों की तारीफ पढ़ी, 3-3 घंटे तूने बेहया फिल्म देखी, लेकिन 3 मिनट तक तूने आधा घंटा कुरान को नहीं दिया, नबी के फरमान को न दिया, इस्लाम की तारीफ को न दिया। खुदा रहा मुसलमानों, अपने आप को मुसलमान बनाओ, देखो कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने
दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर, रब की वहदानियत, उलूहियत, माबूदियत, खालिकियत की खातिर कितनी कुर्बानी दी थी। आज हमें नमाज पढ़ने का वक्त नहीं, कुरान की तिलावत करने का वक्त नहीं, फकत तैर के मैदानों को जरा पढ़ो तो सही। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है, मैंने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा तकलीफ कहां हुई? तो अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू टपके फरमाने लगे, आयशा रब्बे मोहम्मद की कसम, मुझे आज तक तैर के मैदान नहीं छोड़े। हदीस में आता है कि दो मकाम ऐसे थे जो आसमान के मलाइका भी दारो कतार रो पड़े थे। पहला मकाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब सैयदना इस्माइल की गर्दन पर छुरी रख रहे थे और हजरत इस्माइल फरमाने लगे, अब्बा मेरी कमीज उतार ले, मेरी अम्मी को दे देना, खून से भर ना जाए, जिसने जंगलों में मुझे पाला था। उस वक्त भी आसमान के मलाइका तारों कतार रो पड़े। और जब तैफ के मैदानों में जब अल्लाह के नबी यूं शिकवा करने लगे, अल्लाह देख तो सही, तेरे नबी के सर से खून बह रहा है, अल्लाह तेरे नबी के कपड़े खून से भर गए, अल्लाह किन जानों के तूने हवाले कर दिया, अल्लाह कहीं तूने अपने नबी को भुला तो नहीं दिया। इस मौके पर भी आसमान के मलाइका दारो कतार रो पड़े, कहीं तो कुरान की खातिर, इस्लाम की खातिर, रब की वहदानियत उलूहियत की खातिर बिलाल तड़प रखा है, कहीं खब्बाब अंगारों पर लेटा हुआ नजर आ रखा है, कहीं खुबैब तख्तेदार पर लटकता हुआ नजर आ रखा है, कहीं सुमैया की दौलत नजर आ रही है मुसलमानों, कहीं हमदा टुकड़े टुकड़े हो रहा, कहीं इमाम आजम अबू हनीफा का जनाजा जेल से निकल रहा है, कहीं इमाम मालिक गधे पर बिठाए जा रहे हैं, हाथ कसे जा रहे हैं, जल्लाद कोड़े मार रहा है, चेहरे पर स्याही लगा दी गई है, बाजार में लेकर आ रहे हैं, अब इमाम मालिक चेहरे पर सफेद, चेहरे पर स्याही लगी हुई, आवाज लगा रहे, अय्युहन्नास मैं यारिफुनी फहुआ यारिफुनी, जो मुझे जानता है वो जानता है मल्ला यारिफुनी, जो नहीं जानता फहुआ यारिफ जानने वाला बन जाए, अना मालिक बिन अंस मैं मालिक बिन अंस हूं, जो फतवा बादशाह के खिलाफ कर दिया था अल्लाह की कसम आज भी देता हूं, मर तो सकता हूं, कट तो सकता हूं, जंजीरें तो पहन सकता हूं, जुलान पहन सकता हूं, जेल की जीनत तो बन सकता हूं, बच्चों को यतीम तो करा सकता हूं, बीवी को बेवा तो करा सकता हूं, खून में लथपथ तो हो सकता हूं, तख्तेदार पर लटक सकता हूं, लेकिन मोहम्मद के दीन को जुड़ता हुआ देखना मैं कबूल नहीं कर सकता। मुसलमानों ये अल्लाह का दीन मुफ्त में हमें नहीं मिला, ये कुरान हमें मुफ्त में नहीं मिला, ये नबी का फरमान हमें मुफ्त में नहीं मिला। उलमा की तारीफ उठा कर देखो तो सही, सहाबा की तारीफ पढ़ो तो सही, ताबीईन तबे ताबीईन अइम्मे मुज्तहिदीन सलसानीन उलमा औलिया अतिया सुनहा की तारीफ देखो तो सही, इमाम राजी के बारे में उस दिन में अरबी की किताब में पढ़ रहा था,
कुरान पढ़ने के लिए, अल्लाह का दीन इल्म हासिल करने के लिए घर से निकले, एक ही जोड़ा था, एक ही कपड़ों का जोड़ा। 14 साल एक ही जोड़े में गुजार दिए। जिस वक्त इल्म हासिल कर लिया, बस्ती के एक खान साहब अपने मलिक साहब ने निया जोड़ा दिया और राजी ये जोड़ा पहन ले। रात का वक्त है, इमाम राजी उस जोड़े को लेकर खड़े हुए, फरमाते अल्लाह अल्लाह, ये निया जोड़ा लेके खड़ा हूं, अल्लाह जो जोड़ा मैंने पहना हुआ है, इस जोड़े में कोई रात खता नहीं जो तेरे नबी मोहम्मद रसूलल्लाह की ज़ियारत नसीब न हुई। कहीं निया जोड़ा पहन लू तो तेरे नबी की ज़ियारत से महरूम न हो जाओ। उलमा की जमात, इन लोगों को जरूर बतलाया करो हमारे उलमा की तारीफ क्या है, कुर्बानियां कितनी हैं, दीन की खातिर कैसे कट गए। इमाम मुस्लिम 14 साल की उम्र में मदरसे में गए पढ़ने के लिए, जब अपनी बस्ती में अपने घर में वापस है, 54 साल के बाद अपने घर में दाखिल हो रहे हैं। 54 साल के बाद लोगों से पूछते हैं, लोगों बतलाओ फलां का घर किधर, बताया वो है। दरवाजा खटखटाया, एक जवान निकला, वो पूछने लगा कौन हो, जवाब में फरमाते मुस्लिम हूं। चीख निकली, मुस्लिम मैं तेरा छोटा भाई हूं। अंदर लेकर गए, इमाम मुस्लिम फरमाते मैंने पूछा अब्बा कहाँ गए, ओ मेरा भाई अब्बा हाथ उठा कर तेरे लिए दुआ करता, अल्लाह मेरे बेटे को हाफिज़े कुरान, कारीउल कुरान, आलिमे कुरान, तालिबे कुरान बना, हदीस का हाफिज़ बना। आखिर में कलमा तैयबा पढ़ते हुए मुझे पैगाम छोड़ के गए, सलाम भी फरमा रहे थे, पैगाम भी फरमा रहे थे, मेरी कब्र पर जरूर आना। अम्मी कहाँ, औलाद वालों जरा तवज्जो तो करो, आज औलाद की दुनिया की मुस्तकबिल की तूने फिक्र की, लेकिन कब्र और आखिरत की फिक्र तूने नहीं की। औलाद के दुनिया के मुस्तकबिल को तो तू बना रखा है, आखरत को तू भुला रखा है, आज खड़ी मट्टी के मकानों को सजा रखा है, बड़ी मट्टी के मकान को भुला रखा। ये आदमी है वो मुस्तकिल है, इसको तुमने माल से सजाना है। मुसलमानों, उस कब्र वाले मकान को ईमान और आमाल से सजाना है। अल्लाह की कसम हमें मौत भूल गई, कब्र हमें भूल गई। कब्र या तो होती चोर चोरी न करता, डाकू डाका न डालता, जानी जना न करता, शराबी शराब न पीता, कातिल कतल न करता, जालिम जुल्म न करता, झूठा झूठ न बोलता, गीबत करने वाला गीबत न करता, बेईमानी दरूद नमाज पढ़ता, अगर मौत याद होती कब्र याद होती। मैं कर रहा था, अम्मी कहा, जवाब मिला अम्मी, रात के वक्त चांद को देखती, चांद को सलाम देती, और चांद तू मेरे बेटे को देख रखा होगा, मैं तुझे देख रही,
तू मेरे बेटे को सलाम भी देना पैगाम भी देना, जब तू आलम बन कर आएगा मैं हूं भी या नहीं लेकिन मेरी कब्र पर जरूर आना। अम्मी भी दुनिया से रुखसत हो गई, ये अल्लाह का दीन तुम्हें मुफ्त में नहीं मिला मुसलमानों, उलमा ने बड़ी कुर्बानियां दी, काश के उलमा की मोहब्बत दिल में होती, काश के अल्लाह के दीन की मोहब्बत हमारे दिल में होती। इमाम चौधरी जिन्होंने अपने हाथों से 2000 हदीस की जिल्दें लिखी हैं, मुसलमानों जंगल में जाते काना लेकर आते, खुद तराशते तराशे रख दे दिया करते थे, मौत का वक्त आया फरमाने लगे लोगों जब मुझे मौत का गुस्ल देने लगना, ये कलम के तराशे पड़े हुए हैं, पानी गर्म करके मुझे उसी से उसल दिया जाए, जो बाकी बच जाए मेरी कब्र में बिछा दिए जाए। इमाम जोधी की वसीयत के मुताबिक लोगों ने कलम के तराशों से पानी गर्म किया, गुसल दिया, जनाजा पढ़ा, कब्र में रखेंगे, कलम के तराशे नीचे हैं। कुछ मुद्दत के बाद एक आदमी ख्वाब में मिलते हैं, पूछा क्या बना, जवाब में इमाम जोधी फरमाते हैं जब उनके नकीर ने मुझसे सवाल किया मन रब तेरा रब कौन है, मैंने कलम के तराशों की तरफ इशारा करते हुए मैं गवाह अपने साथ लेकर आया हूं, ये गवाही दे देंगे मैं कौन हूं, मेरा रब कौन है। फरमाया कलम के तरफ ने मेरी तरफ से जवाब दिया हा रब्बी अल्लाह रब्बी अल्लाह अल्लाह। ओ मुसलमानों अल्लाह की कसम उठा कर कहता हूं ये अल्लाह का दीन इंतहाई तकलीफों के बाद मुश्किलात के बाद हमें मुयस्सर हुआ। पूछो तो सही शामली के मैदानों से कासिम नानोती कौन था, हाफिज दामिन शहीद कौन था, जब शामली के मैदानों में हजरत नानोती के दलदार शहीद हुए। सुनो उलमा की जमात सुनो, हजरत दामिन हजरत कासिम नानोती अपने दांतों को लेकर आसमान की तरफ यूं ऊंचा के फरमाते अल्लाह तेरे नबी ने ओहद के मैदान में दंदान शहीद करे, आज मैं शामली के मैदानों में शहीद करा चुका। खालिद दीनदार कराची से पूछ तो सही, सर पे कफन बांध कर अंग्रेज जज के सामने कलमा हक कहने वाला हुसैन अहमद मदनी कौन था, लाहौर के दरो दीवारों से मैदानों से बाजारों से गलियों से पूछो तो सही, शिद्दत की सर्दी है बर्फ के पिलार पर लिटाया जा रहा है, जल्लाद अंग्रेज कोड़े भी मारता है लेकिन हजरत लहोगी की जबान पर जारी है अल्लाह 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 अल्लाह। कह दो ना मुसलमानों अल्लाह, कभी आधी रात को कह दिया करो ना, अब भी आधी रात का वक्त है, कह दो ना अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऊपर से आवाज आएगी लबैक अब्दी, ओ मेरा बंदा मेरी रहमत हाजिर है, मां तो सही है
अपना जबीन मियां जरा झुका तो सही, अपनी आंखों से अश्क दाम जरा बहा तो सही, जरा अपना हाथ उठा तो सही, जरा अपनी झोली फैला तो सही, हाँ जरा मेरे दुख करम को आजमा तो सही। तेरे आने में देर तो हो सकती है, मेरे बख्शने में देर नहीं। मांग लिया करो मुसलमानों, कह दिया करो ना अल्लाह 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 अल्लाह। डॉक्टर भी साथ खड़ा हुआ है, बर्फ का ब्लॉक है। अंग्रेज डॉक्टर जल्दा से पूछता है, मरता क्यों नहीं है शख्स, शिद्दत की सर्दी है। हजरत लाहौरी जवाब में फरमाते, जब मैं कहता हूँ अल्लाह, ईमान भी ताला हो जाता है, जान भी ताला हो जाती है। काला पानी से जरा पूछो तो सही, गाफिल जाफिल तांत्री कौन था मुसलमान। बालाकोट के मैदानों से पूछो, शाम शहीद कौन था। मियां वाली सक्कर और हैदराबाद की जेलों से पूछो तो सही, रात का वक्त है, कुरान की तिलावत कर रहा है सुप्रिंटेंडेंट हिंदू, दौड़ता हुआ शादी बस कर बस कर, शिद्दत की सर्दी है। ओ शादी बात सुन, तेरा कुरान सुनकर मैं भी मुसलमान हुआ हूँ, मेरी औलाद भी मुसलमान हो चुकी है। इस वक्त तू कुरान पढ़ रहा है, मेरे बच्चे छत पर खड़े हुए तेरा कुरान सुन रहे, रो रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है। कैदियों कान लगा कर तेरा कुरान सुन रहे। शाजी काश के तू ईमानों में कुरान सुनाता, मैदानों में कुरान सुनाता, मुर्दान के किले पर कुरान सुनाता, मस्जिद के मिंबर और मेहराब पर कुरान सुनाता, जेल की कोठरी में कुरान सुना रख। जवाब में शाजी फरमाते हैं, ओ सुप्रिंटेंडेंट, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ मेरे कुरान के सुनने पर, तू भी ईमान ले आया, तेरी औलाद भी ईमान ले आई, अल्लाह ने जहन्नम से निकाल कर जन्नत के दरवाजे पर तुम्हें पहुंचा दिया। लेकिन सुनने वक्त आएगा, ईवानों में कुरान पढ़ूंगा, मैदानों में कुरान सुनाऊंगा, मुल्तान के किले पर कुरान सुनाऊंगा, मस्जिद के मिंबर और मेहराब में कुरान सुनाऊंगा, मौत के वक्त भी जबान पर कुरान जारी होगा, कब्र के अंदर भी कुरान की तिलावत करूंगा, महशर के मैदान में जब आऊंगा कुरान पढ़ता हुआ हौज़े कौसर पर नबी की खिदमत में हाजिरी दूंगा। ओ मुसलमानों, हमारे उलमा की कुर्बानियां कुरान की खातिर, लेकिन आज हमें कुरान पढ़ने का वक्त नहीं, खुद नहीं पढ़ा औलाद को भी नहीं। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके बच्चे हाफिज़े कुरान, कारी कुरान, आलिमे कुरान, हामिले तालिबे कुरान। आज इन बच्चों के सरों पर दस्तारे फजीलत सजाई गई, कल इनके वालदैन के सिरों पर अल्लाह जन्नत के ताज सजाएंगे। अल्लाह, मैं खुद नहीं कह रहा, ये अल्लाह के नबी का इरशाद है, और जरूर सजाए जाएंगे इंशाअल्लाह। इस पर एक बात बात करता जाऊं, आलमगीर बादशाह का नाम आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं? बड़ा खैर का बादशाह था, इससे अब्बा इससे नाराज हुआ, वालिद नाराज, कोशिश की अब्बा राजी हो जाए, अब्बा राज, लेकिन अब्बा राजी नहीं। नौजवानों खबरदार, ख्याल रखना, कहीं आंख उठाकर अब्बा और अब्बा से बात न करना।
गुस्से के लहजे में, गुस्से की निगाह से अब्बा से अम्मा से बात न करना। फर्ज पर अब्बा और अम्मा राजी है, अर्ज पर मेरा रब भी राजी है। अगर फर्ज पर ये नाराज है तो अर्ज पर मेरा रब भी नाराज है। अब्बा और अम्मा के दिल को न दुखा, अल्लाह के अर्ज को न ढीला। उस दिन एक औरत रोती हुई आई, मौलाना सारी साहब एक ही बेटा है सात बेटियों के बाद, रो रो के मांगती रखी। आधी रात को घर आता है, बदबख्त मैं दरवाजे पर खड़ी रहती हूं, ताजी रोटी बनाती हूं, सारण गरम करके देती हूं। तीन साल से उसने मुझे अम्मा नहीं कहा। रात में रोटी उसको दे रही थी, मैंने कहा बेटा इतना तो कह देता अम्मी रोटी दे दे, बस ये बात कहनी थी। गरम सालन की प्लेट उसने मेरे मुंह पर मारी। मैं अर्ज कर रहा था काश मेरे पास वक्त वाला मसला है, कल जुमा भी है, मैंने हाजिरी देनी है। आलमगीर बादशाह की बात, अब्बा नाराज था, उलमा की खिदमत में हाजिर हुए। उलमा की जमात, कोई तरीका ऐसा बतलाइए कि अब्बा राजी हो जाए। एक आदमी ने कहा आलमगीर तू अपने बेटे को हाफिज कुरान बना, उसकी तकरीब बादशाह ईद मनाएंगे, हमें यकीन है कि जब उसकी तकरीब होगी तेरा अब्बा जरूर उस तकरीब में आएगा, जिस तरह के आज की ये तकरीब बादशाह ईद। अल्लाह ताला इनके उम्र में औकात में रिज़्क़ इज़्ज़त मान जान ईमान में बरकतें अता फरमाए, इनके घरों में बरकतें अता फरमाए, हमारे बच्चों को भी हाफिज़ कुरान कारी कुरान आने में हामिले तालिबे कुरान बनाए। आज तू डॉक्टर बना कोई मना नहीं, इंजीनियर बना, कैप्टन बना, मेजर बना, कर्नल बना, जनरल बना, पुलिस में कप्तान बना, एसपीडी एसपीडी आईजी आईजीपी बना, वकील बना, ताजर बना, सब कुछ बना, लेकिन खुदा मुसलमान भी बना। हमने मुसलमान नहीं बनाया, अपने का जनाजा पड़ा है, बेटे को जनाजा तैयार था। कुरान पढ़ नहीं सकता। यहां एक बात याद आई, पहले आलमगीर की बात बाद में करो। एक अल्लाह वाले थे, अनपढ़ थे, अनपढ़ मुतलक अनपढ़ थे, कुरान देखकर भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुरान से मोहब्बत थी, शौक था, जौक था। आधी रात को कुरान को सीने के साथ लगाते रो पड़ते थे, अल्लाह काश मैं तेरा ये कुरान पढ़ सकता तो जरूर पढ़ता, सारी रात पढ़ता। सुबह के वक्त बस्ती की मस्जिद में जाते, जहां हजरत मौलाना इकबाल साहब का ये जो मदरसा, बच्चे यहां पढ़ते हैं, उस्ताद पढ़ाता है, बच्चे सीखते हैं, उस्ताद सिखाता है। सुबह के वक्त उस मस्जिद में आते जहां बच्चे पढ़ते, एक कोने में बैठते, जब बच्चों को पढ़ता देखते रो पड़ता, अल्लाह काश कि मैं भी हाफिज़े कुरान होता, अल्लाह मेरे अब्बा ने मुझे कुरान नहीं पढ़ाया, अम्मी ने कुरान मुझे नहीं सिखाया। एक मर्तबा बच्चा पढ़ रहा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम ग़ाफ़िलून। बच्चे को गलतियां आने लगी, वो सूफी साहब जो मुतलकन पढ़ गए वहां से कहते बेटा सही करो, गलती कर रहे हो, गलत पढ़ रहे हो। उस्ताद उठते हैं, ओ सूफी तू तो कुरान देखकर भी नहीं पढ़ सकता, तुझे कैसे मालूम हुआ बच्चा गलत पढ़ रखा है। जवाब में कहता है उस्ताद जी राज की बात है, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। उस्ताद बैठा, दूसरे दिन फिर बच्चा पढ़ रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا پھر بچے کو غلطی آنے لگی وہاں سے آواز لگاتے بیٹا غلط پڑ رہے ہو جلدی کرو صحیح کرو جلدی کرو صحیح کرو استاد اٹھتے ہیں صوفی تو حافظ قرآن ہے اپنے آپ کو تو نے چھپایا ہوا استاد جی کاش میں حافظ قرآن ہوتا قاریوں قرآن ہوتا استاد جی اللہ کی قسم دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا پھر تجھے کیسے معلوم ہوا استاد جی راز کی بات ہے استاد فرماتے جب تک راز کی بات بتاؤ گے نہیں چھوڑو گا نہیں استاد جی مجبور کرتے ہو بتلا ہی دیتا ہوں جب بچہ شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش دوا استاد جی رب محمد کی قسم میں دیکھتا ہوں آسمان سے اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے برس رہی ہو ایسی برستی ہے جس طرح دنیا میں موسلا دھار بارش برستی ہو استاد جی جس وقت بچے کو غلطی آنے لگتی ہے وہ رحمت کی بارش رک جاتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں بچہ غلط پڑھ رہا گا کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں جس مکان میں جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ مکان آسمان والے ملائکہ کو یوں چمکتا ہوا نظر آتا ہے جس طرح کہ دنیا والے لوگوں کو چودھویں کا چاند آسمان سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے اور اس مکان پر اس جگہ پر اللہ کی رحمت یوں برستی ہے جس طرح مسلسل بارش برستی ہو آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے رحمان نے ڈیرے اٹھا دیے شیطان نے ڈیرے لگا دیے گھر گھر میں نچا کی فساد پریشانی مصیبتیں تکلیفیں بیماریاں بات یہ ہے آج ہمارے گھر میں شیطان بستا ہے رحمان نہیں بستا آج اس مجلس میں اللہ کے ساتھ اتنا تو وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت ضرور کریں گے کہو انشاءاللہ کہو انشاءاللہ میں بات کر رہا تھا عالمگیر کے اوپر کسی عالم نے کہا اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤ اس کی تقریب منائیں گے تیرے ابا کو دعوت دیں گے امید ہے تیرا ابا آئے گا اللہ راضی ہو جائے ابا بھی راضی ہو جائے تو عالمگیر بادشاہ نے اپنے بیٹے کو 6 مہینے کے عرصے کے اندر وَلَا قَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا کوئی ہے دل میں بٹھانے والا ذہن میں بٹھانے والا امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ خواب کے اندر اللہ سے ملاقات فرماتے ہیں 99 مرتبہ ہو چکی ہے فرمایا اب ہو جائے تو اللہ سے پوچھ لینا سب سے بہتر عبادت کون سی ہے جو تجھے پسند ہے فرمایا اچھا اللہ سے ملاقات ہوئی پوچھا اللہ سب سے بہتر عبادت تجھے پسند ہو فرمایا قرآن کی تلاوت امام احمد فوراً فرمانے لگے اللہ یہ قرآن کی تلاوت معنی کے ساتھ سمجھ کے ساتھ یا بغیر معنی اور سمجھ کے ساتھ فرمایا دونوں لحاظ سے مجھے پسند ہے اللہ مانا نہیں آتا پھر بھی لیکن مانا سمجھ ضرور پڑھ میں عرض کر رہا تھا بیٹے نے قرآن 6 مہینے میں یاد کر لیا علماء گئے عالمگیر کے والد کی خدمت میں جناب آپ کے پوتے نے قرآن یاد کر لیا ہے فلاں دن اس کی تقریب با سعید ہو گیا آپ تشریف لائیے گا جو ہی سنا خوشی کی وجہ سے کھڑے ہو گئے فرمانے لگے اللہ میں تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میری اولاد میں بھی حافظ قرآن تو نے پیدا کر دیا پھر یوں سر کھلایا فرمایا علماء کی جماعت میں عالمگیر سے ناراض ہوں اس پروگرام میں نہیں آ سکتا تقریب میں نہیں آ سکتا
उलमा ने मिन्नत की लेकिन इनकार कर दिया। जब उलमा आए आलमगीर को बताया तो चीख निकली, फरमाया था उस वक्त तक मौत न थे जब तक कि अब्बा राजी न हो जाए। फिर पूछा उलमा से कोई ऐसा तरीका बताओ कि अब्बा राजी हो जाए। एक आलिम थे, आमिर भी थे, आबिद भी थे, आरिफ भी थे, आशिक भी थे, आजिद भी थे। उलमा की जमात आज आलिम भी हैं, आमिर भी हैं, आबिद भी हैं, आरिफ भी हैं, लेकिन बताता जाऊं हजरत वालिदी करीम फरमाया करते थे इब्लीस शैतान, इब्लीस आलिम भी था, आमिर भी था, आबिद भी था, आरिफ था, फिर क्यों डांटी बना। आलिम इस दर्जे का था कि मलाइका का उस्ताद था, आमिर और आबिद इस दर्जे का था, हदीस में आते जमीन का कोई चक्का इस जालिम ने नहीं छोड़ा, ध्यान अल्लाह को इसने सच्चा ना किया हो। आरिफ इस दर्जे का था जब अल्लाह ने फरमाया फखरुज निकल गिर जन्नत से, लेकिन जानता था कि अल्लाह की रहमत अल्लाह के गुस्से पर हावी है, तो फौरन कहने लगा काल रब्बी फअंज़िरनी इला यौमि युबअथ। अल्लाह मुझे मोहलत तो दे, रब्बी तो रब है, काल इन्नका मिनल मुंज़िरीन, जा क़यामत तक मैंने तुझे मोहलत दे दी। फरमाया करते थे आलिम था, आमिल था, आबिद आरिफ था, किस चीज की कमी थी कि लानती बना। फरमाया आमिल तो था, आलिम तो था, आबिद था, आरिफ था, लेकिन आशिक और आतिफ नहीं था। अल्लाह ने इसको इज्जत भी अता फरमाए, हक कहने वाला बताए। उलमा बैठे हैं, मैं उलमा से कहता जाऊं उलमा की जमात आज हम जंजलों से डरते हैं, कल हमारा वजूद है कि जंजला था। तारीफ उठाकर देखो, आज हम अंधेरों से कांपते हैं, कल वजूद हमारा उजाला था। आज बारिश के पानी से भीग जाने की खातिर पांचे ऊपर चढ़ाते हैं, सुनो वो हमारे सलसालीहीन थे, उलमा थे, अकाबिरीन थे, जो समुद्रों की तह में उतर गए थे, तट तो तट रहे, सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुलमात में दुड़ा दिए घोड़े हमने। मैं अर्ज कर रहा था, एक आलिम खड़े हुए फरमाने लगे आलमगीर तू खुद कुरान याद कर रहा था, फिर तेरी तकरीबा साइड मनाई। आलमगीर ने दो महीने या तीन महीने के अंदर कुरान याद किया, लेकिन हमारे हुसैन अहमद मदनी ने माते की जेल के अंदर एक महीने के अंदर रमजान का चांद आया, इधर कुरान शुरू किया, उधर आखिरी रात थी और आखिरी पारा सैयदना हुसैन ने याद किया। एक महीने के अंदर हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह की ताला है। उलमा गए आलमगीर के वालिद की खिदमत में, जहां जनाब आपके बेटे आलमगीर ने कुरान याद कर लिया है, फला दिन तकरीब होगी, खड़ा हो, सच कहते हो? फरमाया हां, अगर झूठ है आ जाओ अजमा लो, तुम कुरान खोल के बैठ जाओ, वो पढ़ता जाएगा तू सुनता जा। जू ही सुना, पगड़ी नहीं बांधी, दौड़ा, जूता नहीं पहना, दौड़ा। आलमगीर को आकर बगलगीर हुआ, पासे को माथे को बोसा देते हुए रोकर कहते हैं आलमगीर कल तेरे बेटे ने कुरान याद किया था, उसका ताज क्यामत के दिन तूने पहना था, आज मेरे बेटे ने कुरान याद कर लिया है, क्यामत के दिन इसका ताज मैं पहनूंगा। अल्लाह गवाह बन जा, जिस बेटे की वजह से मैं जन्नत का ताज पहनूंगा, मैं इस बेटे से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। खुश नसीब है वो लोग इनके बेटे हाफिज़ कुरान। ये मौजू इंतहाई, मैंने पहले कहा इंतहाई तवील, मैं अपने मौजू पर मदारे से दीनिया पर बात कर रहा था। अल्लाह अकबर, हमारे इलाके में पहाड़ पर एक शख्स ने मदरसा बनाया, काफी वक्त हो गया अगर मुझे, ये हमारे इलाके के बैठे हैं जी, ये मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड से ऊपर, योग का जो इलाका, ये उस जमाने की बात कर, वाले से बताया करते थे, कुरान कुरान का मदरसा खोला, 15 तलबा रखे, 16 तालिबे इल्म आया, उस्ताद जी
मैं यतीम हूँ, मिस्कीन हूँ, और हमारे मदारिस दीनिया में आते भी गरीब मिस्कीन है, यतीम आते। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जमात तबलीग की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिल्लाह ताला, बिफज़लिल्लाह ताला अब लोग कसरत से मदारिस में आते हैं। अल्लाह इन जमातों को भी आबाद और शाद रखे, मदारिस को भी आबाद और शाद रखे। लोगों ये चलता फिरता मदरसा है जो हमारे दरवाजों पर आता है, और ये मदारिस दीनिया तुम अपने बच्चों को यहाँ बेचकर हाफिज कुरान कारी कुरान बनाते हो। ये जो मदरसा तुम्हारे दरवाजे पर आता है, तुम इसके साथ वक्त लगाते हो, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाता है। इस मदरसे में भी कभी दाखिला ले लिया करो, कोई वक्त दे दिया करो मुसलमान। मैं बात कर रहा था 15 तलबा रखे थे, उस्ताद जी यतीम हूं मिस्कीन यूं सा बेटा गुंजाइश नहीं, गुंजाइश नहीं, रोने लगा। हा और मदारिस दीनिया सच बात है, ये अल्लाह की रहमत से चल रहे हैं, अल्लाह के तवक्कुल पर चल रहे हैं। तुम्हारी ज़कात खराब सदकात के जरिए से चल रहे हैं, तुम्हारे लिए सत्ता जारिया बन रखे हैं। एक शख्स मसला पूछने के लिए, उसने ये मंजर देखा कि बच्चा भी रो रहा है, उस्ताद की आंखों में भी आंसू जा रहे हैं। पूछा उस्ताद जी ये बच्चा क्यों रो रहा है? फरमाया ये कुरान पढ़ने के लिए आया है, मेरे पास गुंजाइश नहीं, कहां से खिलाऊं, असबाब भी तो बनाने होते हैं ना, लेकिन है यकीन मुसब्बिबुल असबाब पर रखना है मुसलमानों, यकीन मुसब्बिबुल असबाब बनाओ, लेकिन असबाब पर यकीन नहीं, मुसब्बिबुल असबाब पर यकीन रखो। छुरी का काम है काट देना, सबब मौजूद है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल की गर्दन पर चला रहे हैं, सबब फेल हो गया, मुसब्बिबुल असबाब पास हो गया। आग का काम है जला देना, सबब मौजूद है, लेकिन उस सबब को अल्लाह ने फेल कर दिया। दरिया का काम है गर्क कर देना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दे दी, फिरौन को गर्क कर दिया। मैं बात कर रहा था, वो शख्स कहने लगा उस्ताद जी इसको दाखिला दे दो, दो वक्त का खाना मैं पहुंचाऊंगा। उस्ताद ने फरमाया बेटा मुबारक हो, अल्लाह ने तेरा इंतजाम कर दिया। उस्ताद जी एक शर्त है, फरमाया बताओ। शर्त ये है, रात के वक्त मेरे दरवाजे पर आएगा घड़ा उठाकर, नहर से पानी भरकर वो घड़ा मेरे घर पहुंचाएगा। उस्ताद ने कहा ठीक है, इशा के बाद आया करेगा, तू ऐसा कर अपने पानी वाले घड़े को दरवाजे के बाहर रख दिया कर, किसी वक्त आएगा पानी भर कर पहुंचा देगा। रात का वक्त हुआ, अब वो बच्चा कहते उस्ताद जी मैं पानी भरने के लिए जाऊं, पर मैं बेटा बैठ, अल्लाह इंतजाम कर देंगे। उलमा की जमात इज्रिल के साली की बात कर रहा था, शैतान इबलीस की बात कर रहा था, उसमें इज्रिल के साली नहीं थी। अब वक्त वो आलिम, वो मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुदब्बिर, मुकब्बिर, मुबल्लिग, वो हाफिज, वो कारी, वो उलमा में औलिया, सुनफा, बूढ़ा, रात का वक्त है जा रहा था। देखा घर घड़ा पड़ा हुआ है, कंधे पर उठाया, आसमान को देखा, रो 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 अल्लाह, मैं उस तालिबिन के लिए कुर्बानी दे रखा हूं अल्लाह, जिस तालिबिन के बारे में तेरे नबी का इरशाद है, कुरान पढ़ने वाला तालिबिन, दीन हासिल करने वाला तालिबिन, जब घर से निकलता है मलाइका उसके कदमों में अपने पर बिछा देते हैं। ऐ करीम रहीम अल्लाह, जब हाफिज़े कुरान कारी कुरान फौत होता है, आलिम कुरान फौत होता है, तू मलाइका को हुक्म देता है, ओ मलाइका की जमात जाओ इसके जनाजे में शरीक हो जाओ। जब हाफिज कुरान आलिम कुरान को कब्र में रखा जाता है, तू बराह रास्त कब्र से मुखातिब होकर फरमाता है या कब्र
ला तअकुली जसदहु, खबरदार इसके जिस्म को कुछ नहीं कहना। क्यों? इन फी कल्बिही कलामी, इसके दिल में मेरा कलाम है। जब लोग दफना कर वापस चले जाते हैं तो फिर मलाइका से फरमाता है, मलाइका की जमात जाओ जाओ हाफिज़े कुरान कानियुल कुरान आलिमे कुरान की कब्र की ज़ियारत करके आओ। हदीस में आता है इतनी कसरत से मलाइका आते हैं जिस तरह के दुनिया के लोग काबतुल्ला की ज़ियारत को जाते हैं। करीम रहीम अल्लाह, मुस्तालिम के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, कबूल कर ले। ओ मुसलमानों सुनो, 6 महीने वो आलिम, वो बूढ़ा, वो मुफस्सिर मुहद्दिस, पानी का घड़ा 3 मील दूर है, नहर वहां से भर कर पहुंचा रहा। एक दिन पानी का घड़ा रखने लगा, साहबे मकान ने देख लिया, चीख मारी, बोलना आप पानी भरा करते हैं। अब उस्ताद जी खामोश हैं, उस्ताद जी आज के बाद ये शर्त खत्म, पानी का घड़ा मेरे दरवाजे पर नहीं होगा। उस्ताद रो पड़े, फरमाने लगे, बेटा मुझे महरूम न कर, महरूम न कर। उस्ताद जी किस चीज से तुझे महरूम कर रखा हूं? फरमाया राज की बात है। उस्ताद जी वो राज की बात बतला दो तब मैं छोड़ू नहीं। उस्ताद जी मजबूर होकर फरमाते हैं, बेटा बात ये है, जब पानी का घड़ा भर कर तेरे दरवाजे पे रख कर घर जाता हूँ, जू ही सोता हूँ ऊंग आती है, मोहम्मद रसूलल्लाह की ज़ियारत नसीब हो जाती है। उस रात से लेकर कल की रात तक कोई रात खता नहीं जो नबी की ज़ियारत नसीब न हुई हो। ओ मुसलमानों, अल्लाह नबी भी तो करीम है। अभी वो हमारे मुफ्ती अरशद साहब मदीना और मक्का की जलाल और जमाल की बात कर रहे थे, उस वक्त ज़हन में एक बात आई, उस बात को मुकम्मल करके मैं, अब काफी देर हो चुकी, आप थके हुए हैं, लेकिन मैं हजरत कारी इकबाल साहब से इतना जरूर करूंगा कि रात का वक्त बड़ा अजीब होता है, कहीं सुबह की नमाजें हमसे रह रहे हैं, ख्याल रखा करें इस चीज का, ज्यादा से ज्यादा रात के 12 बजे तक, उसके बाद लोग आराम करें ताकि सुबह की नमाज में शरीक हो सके। अदीन नसीहत, नसीहत के तौर पर अर्ज कर रहा हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की जिंदगी, मक्का की जिंदगी इंतहाई परेशानी वाली, तकलीफ वाली, मुसलमानों रहमत की बात कर रहा हूं, रहमत, ये मदारे से दीनिया, ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह की जमीन पर रहमत है, रहमत है, ये हाफिज़े कुरान रहमत है, ये आलिमे कुरान रहमत है, रहमत है, इन रहमतों से महरूम न होना, इन रहमतों को हासिल, इनकी खिदमत करके हासिल करते रहो, तामन करके, दुआओं के साथ तामन करके। अल्लाह की कसम, अगर कुछ दे नहीं सकता माल में तो हाथ उठाकर दुआ तकिया कर, रब्बे मोहम्मद की कसम, अल्लाह वही दर्जा तुझे अता फरमाएगा जो हाफिज कुरान को अता फरमाते हैं। मैं कर रहा था रहमत पर बात करूं, क्योंकि अरशद साहब की बात पर बात आई, मैंने कहा जरूर ये वाक्य उस दिन मैं अरबी की किताब में पढ़ा, मेरी आंखों में आंसू भी जा रही थी। मक्का की जिंदगी में आप बैतुल्लाह शरीफ में बैठे, एक शख्स आया, आकर कहने लगा, मन कौन हुआ? अल्लाह के नबी जवाब में फरमाते हैं, अना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ओ सवाल करने वाला सुन, मैं अल्लाह का नबी रसूल मुहम्मद हूं। फौरन कहने लगा, खबरदार ये रसूल का लफ्ज छोड़ दो, नबी का लफ्ज छोड़ दो,
यूं कहो अना मुहम्मद बिन अब्दुल्ला। अल्लाह के नबी फौरन फरमाते अना मुहम्मद रसूलुल्लाह बिन अब्दुल्ला। खबरदार, ये रसूल कलब मैंने कहा छोड़ दो। अब अल्लाह के नबी मुस्करा रहे, फरमाया इस रसूल के नबी के लफ्ज़ से पूरे मक्का के अंदर परेशानी है, मुसीबत है, आपकी वजह से ना बाप बेटे से जुदा है, बेटा बाप से, बेटी माँ से, माँ बेटी से। अल्लाह की कसम, तारीफ पढ़ो तो सही, पढ़ो तो सही। कुल इन्कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا। ओ मुसलमानों, मुसलमान कमने यार, अल्लाह अल्लाह खुद बयान फरमा रहे हैं, तुम्हारे वालदैन क्यों न हूं, लेकिन दीन पर, इस्लाम पर, रब की वहदानियत पर, नबूवत रिसालत पर फौकियत नहीं दोगे। तुम्हारी औलाद क्यों न हो, तुम्हारे भाई बहन क्यों न हो, तुम्हारी बीवियां क्यों न हो, अच्छे अच्छे मकान क्यों न हो, तुम्हारी तिजारतें उरूज पर क्यों न हो, बेहतरीन मकान क्यों न हो। खबरदार, तुमने अल्लाह अल्लाह के रसूल पर इनको फुकियत दी, फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करो, रब का अजाब जरूर आएगा। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिहि व वलदिहि वन्नास अजमईन। सिद्दीक अकबर के बेटे अब्दुर्रहमान जब मुसलमान हुए, सिद्दीक अकबर के साथ खाना तनावल फरमा रहे थे, कहने लगे अब्बा बदर के मैदान में आप नबूवत के साथ थे, मैं मुशरिकीन की जमात के साथ था, आप मेरी तलवार की जद में आ चुके थे, जो ही मैंने देखा मेरा अब्बा है, मैंने तलवार हटा दी। जो ही सिद्दीक ने ये लफ्ज सुने, गुस्से से खड़े हुए, तलवार को नियाम से बहर निकाला, फरमाने लगे बेटा सुन, रब्बे मोहम्मद की कसम, अगर बदर के मैदान में तू मेरी तलवार की जद में आता, तुझे लख्त जिगर समझ के छोड़ न देता, नबी का दुश्मन समझ कर तेरा तन गर्दन से जुदा करके रख देता। मैं बात कर रहा था, ये लफ्ज़ छोड़ दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का लफ्ज़ छोड़ दो। अल्लाह के नबी मुस्करा रहे, सिलमन कता वो तोड़े तू जोड़ने वाला बन जा, वाफ़ अम्मन ज़लमक जो तुझ पर जुल्म करे माफ करने वाला बन जा, वाते मन हरमक जो तुझे महरूम करे तू अता करने वाला बन जा, वाहसिन मन असा इलाही तेरे लिए बुराई सोच रहा होगा। हाँ, मैंने सुना आप ये भी फरमाते हैं, ईरान फारान भी फतह होगा, रूम भी फतह होगा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हाँ हाँ मैंने ये दावा किया। खबरदार, इलाज अपना करो, अंत मजनून है उसकी जबान से ये लफ्ज़, मजनून के मानी पागल। ओ मुसलमानों, अगर कोई हमें मजनून कहे बिगड़ जाएंगे, लेकिन अल्लाह के नबी तबस्सुम फरमा रहे, करीम नबी आज उस रहमत हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर फरमाने लगे ओ बदवी सुन, मैंने दावा किया है वक्त आएगा मक्का के रोसा कत्ल होंगे, मक्का फतह होगा, मक्का वाले तनगू होंगे, हुनैन भी फतह होगा, बैतुल मक़द्दस भी फतह होगा।
कैसर और किसरा भी फतह होंगे, रूम भी फतह होगा। सुन रहा है फिर अल्लाह के नबी उसके यूं हाथ को हिलाकर फरमाते हैं, ओ बदवी माशर का मैदान होगा, तू माशर के मैदान में खड़ा होगा, मैं मोहम्मद आकर तेरे हाथ में हाथ डालकर पकड़ कर तुझे जन्नत में साथ ले चलूंगा। हैरान होकर कहते हैं मैं तो हैरान हूं कैसी बात कर रही, अब यकीन हुआ आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। नाउज़ुबिल्लाह वमा साकिबुकुम बिमजनून, खबरदार मेरा नबी मजनून नहीं है। ओ मुसलमानों ये बात सुनते हुए कहने लगा मैं मक्का भी छोड़ रहा हूं, तुम्हारी वजह से निकल गया मक्का से, पहाड़ों में जाकर बैठा। कुछ मुद्दत के बाद मालूम हुआ मक्का के रोसा कत्ल हो गए। हैरान मालूम हुआ मक्का फतह हो चुका है। सुन रखा है अल्लाह ने उम्र में बरकत भी दे दी। फिर सुना मक्का वाले सरनगू हो गए, हुनैन भी फतह हो चुका है। फिर कुछ मुद्दत गुजरी सुना बैतुल मक़द्दस भी फतह हो गया, कैसर और किसरा भी फतह हो गए। फिर सुना रूम भी फतह हो, फौरन मक्का में पहुंचा, सफा की चोटी पर खड़े होकर कहते हैं अय्युहन नास इस्मऊनी, इकट्ठे हो जाओ मेरी बात सुनो। इसी पहाड़ की चोटी पर अल्लाह के नबी ऐलान फरमा रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कह दो ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग पत्थर मार रहे, मैंने भी कंकरियां उठा के मारी थी, आज मैं ऐलान कर रहा हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग खिराजे तक़दीम पेश करने लगे, पूछता है अय्या मुहम्मदुन, अल्लाह के नबी कहाँ। लोगों ने बतलाया अल्लाह के नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए, उनके बाद कौन। फरमाया अबू बकर सिद्दीक, अय्या हुआ वो कहाँ है। फरमाया वो भी दुनिया से रुखसत हुए। अब कौन, जवाब बिना उमर है। फौरन हंस के कहते उमर तो मेरा यार था, अय्या उमर, उमर कहाँ है। जवाब मिला मदीना में, फौरन दौड़ा मदीना। जब पहुंचा असल का वक्त था, अमीरुल मोमिनीन मदीन नबी में बैठे हैं, सहाबा की जमात भी तशरीफ रखती है। जो ही ये मदीन नबी के दरवाजे में दाखिल होने लगा, अमीरुल मोमिनीन की जब निगाह इस पर पड़ी, फौरन उठे और इसके करीब जाकर यूं पकड़ कर फरमाते हैं या बदवी कई फजेता, कैसे आए हो। जवाब में कहते जे तुला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो ही समीरुल अमीरुल मोमिनीन ने बात सुनी, फबका उमर सजदा, उमर रोते हैं इतने रोए। सहाबा फरमाते हैं उसके हाथ को बोसा भी देते हैं, उसके माथे को बोसा भी देते हैं, रोते जा रहे हैं। हमने पूछा अमीरुल मोमिनीन क्या बात है, हमें तो बताओ। अमीरुल मोमिनीन फरमाते मैं मक्का में उस वक्त खड़ा हुआ था, मैं मेरे नबी से तकरार कर रहा था, अभी मैं मुसलमान नहीं हुआ था। इसने ये लफ्ज़ कहा था मैंने सुना है, आप ये दावा करते हैं मक्का फतह होगा, हुनैन बैतुल मक़द्दस कैसर और किसरा रूम फतह होगा। अल्लाह के नबी खड़े हुए, इसका हाथ पकड़ कर फरमाया हाँ हाँ, ये कैसर और किसरा भी रूम भी फतह होगा, तू महशर के मैदान में खड़ा होगा, मैं नबी आकर तेरे हाथ को पकड़ कर तुझे जन्नत ले चलूंगा। ओ लोगों ये वो हाथ है जो हाथ मेरे नबी के हाथ में होगा,
इसलिए मैं बोसा दे रहा हूँ। अब सहाबा की जवाब फौरन पड़ गई, उनके हाथ को बोसा दे रहे हैं। सहाबा फरमाते अल्लाह की कसम उस हाथ से इतनी खुशबू की महक थी, हम हैरान के हैरान रहे। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين